नमस्कार, स्वागत है आपका एरियल न्यूज में। जब पूरी दुनिया अमेरिकी रोवर के नाटकीय लैंडिंग देख रही थी, तब स्वाति मोहन कंट्रोल रूम में शांत भाव से GNC सिस्टम और प्रोजेक्ट टीम से संवाद और समन्वय कर रही थी। नासा का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी मार्स मिशन मंगल ग्रह पर उतर चुका है। नासा के अभिनय में डॉक्टर स्वाति मोहन का नाम भी एक भारतीय मूल की वैज्ञानिक में शामिल है। एक धमाका हुआ, लेकिन रोवर ने 7 मिनट के धमाके से बचते हुए ऐतिहासिक लैंडिंग सफलतापूर्वक कर ली। इस ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संचालित करने वाली नासा की टीम की अगुवाई भारतीय मूल की अमेरिकी इंजीनियर डॉक्टर स्वाति मोहन ने ही की। उन्होंने मिशन के ऊंचाई पर रोवर के कंट्रोल और रोवर के लैंडिंग सिस्टम को अंजाम देने तक साथ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है स्वाति मोहन और ये अमेरिका में रहती हैं या भारत में। ऐसे तमाम सवालों का जवाब हम आपको इसी वीडियो में देंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है डॉक्टर स्वाति मोहन। नासा की वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति भारतीय मूल की रहने वाली हैं। जब वह 1 साल की थी, तभी भारत से अमेरिका चली गई थी। उनका ज़्यादातर बचपन उत्तरी वर्जीनिया वाशिंगटन DC मेट्रो क्षेत्र में बीता है। वह 16 वर्ष की उम्र तक बच्चों का डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन 9 साल की उम्र में स्वाति ने पहली बार स्टार ट्रैक देखी थी, जिसके बाद वह ब्रह्मांड के नए क्षेत्रों के सुंदर चित्रणों से काफ़ी चकित थी। जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि वह ब्रह्मांड में नए और सुंदर स्थान ढूंढना चाहती हैं। डॉक्टर स्वाति मोहन फिजिक्स की टीचर से काफ़ी प्रभावित थी। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से उन्होंने एरोनॉटिक्स की PG और PhD पूरी की है। स्वाति मोहन नासा के पैसाडेना स्थित जेट प्रोपल्शन लैब में शुरुआत से ही पर्सविरंस रोमन विशर की सदस्य रही हैं। वह नासा की कई अहम मिशन का भी हिस्सा रही हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी शनि और चंद्रमा से जुड़े नासा के मिशन की भी हिस्सा रही हैं। स्वाति मोहन ने एक इंटरव्यू में बताया है कि जब वह छोटी लड़की थी, उसी समय TV धारावाहिक स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन वह देखा करती थी। इस धारावाहिक ने काफ़ी प्रभावित किया था उनको। इस धारावाहिक को देखने के बाद अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष अन्वेषण की उत्सुकता पैदा हुई थी उनमें। स्कूल में भौतिकी का पहला अध्ययन किया, बाद में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन उनका स्वाभाविक पसंद बन गया था। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।